नमाज़े वुसअत या रिस्क, वैसे तो हर नमाज इंसान के रिस्क को बढ़ाती है, लेकिन उसके बावजूद मैं तलाश करता हूं कोई ऐसी नमाज मुझे मिल जाए कि जो वाकयन रोजगार के लिए तीर बहदफ हो। तो रिवायत के एतबार से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये दो रकत नमाज है। ये बात याद रखिएगा, मौलाए मुत्तकियान जैसी अजीम शख्सियत भी जब घर से बाहर किसी अहम काम से निकलते थे तो आप दो रकत नमाज पढ़कर उस अहम काम के लिए खुदा से मदद तलब करते थे, मेरे और आपकी हिदायत के लिए, मेरी और आपकी तालीम और तरबियत के लिए। और कुरान मजीद भी मुझसे भी कहता है और आपसे भी कहता है, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, अपने कामों में मदद तलब करो नमाज से भी और रोजे से भी। दो रकत नमाज वुसअत रिस्क के लिए। ये नमाज कैसे पढ़ी जाए? क्या बिल्कुल दो रकतों की नियत ही होगी, नमाज पढ़ता हूं दो रकत बराए वुसअत रिस्क कुर्बतन इलल्लाह। और अगर घर में खातून भी पढ़ें तो बहुत ज्यादा बेहतर है कि मसले रिस्क में दोनों का एक मसला है, मर्दों का भी है और खवातीन का भी है। कभी हो सकता है नसीब खवातीन का हो, कभी हो सकता है नसीब मर्दों का हो। दो रकत नमाज है, मुश्किल नमाज नहीं है। अगर मैं आपसे वैसे ही कहूँ आप दिल रखने के लिए कि मुझे अपना सीवी भेज दीजिएगा, तो आप ढूंढ ढांड कर जहाँ कहीं नेट मिल रहा हो आप जाते हैं और मुझे अपना सीवी मेल करते हैं, चाहे मैं उस पर अमल करूँ आपके लिए ना करूँ। अगर मुझे अपना सीवी मेल कर सकते हैं तो आइए अपने रब को अपना सीवी मेल कीजिए दो रकत नमाज पढ़ के। और फिर खुदा तो ऐसा मेहरबान खुदा है कि सारे लोग साथ छोड़ दें तो ये हो सकता है कि छोड़ दें, मगर एक ही जात वो है जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती और उसे ही तो खुदा कहते हैं। दो रकत नमाज नियत वाज़े हो गई कुर्बतन इलल्लाह। रकत अव्वल में अलहम के बाद तीन मरतबा सूरह इन्ना आतैना कल कौसर। इतना आसान तरीका है कि मुश्किल नहीं है। इंसान हम जितने बैठे हुए हैं कोई और सूरह याद हो क्या ना हो, मगर सूरह कौसर तो याद होती। रकते दव्वम में ज़रा सा मुश्किल है। वो दो सूरह हैं, सूरह कुल आऊज़ु रब्बिन नास और सूरह कुल आऊज़ु रब्बिल फलक। पहले फलक पढ़िए तीन दफ़ा, फिर सूरह नास पढ़िए तीन दफ़ा। रकते दव्वम में अलहम के बाद सूरह फलक सूरह नास तीन तीन दफ़ा, फिर कुनूत और रुकू और सुजूद और तशहुद और सलाम आम नमाज फजर की तरह मुकम्मल कर लीजिए। और नमाज पढ़ने के बाद फिर खुदा से अपने रिस्क में बरकत की दुआ मांगिए। और जब कभी दुआ मांगिए तो याद रखिए अल्लाह के रसूल की माँ का वास्ता देकर दुआ मांगिए, इसलिए कि जब किसी की माँ का वास्ता दिया जाए कायनात में कुछ भी ना होता अगर खत्मी मर्तबत की ज़ात ना होती। और खत्मी ये मर्तबत को आपकी माँ का वास्ता देना एक ऐसा वास्ता है जो इंसान अगर मुझे और आपको दे, मेरी और आपकी माँ का वास्ता, तो शायद हम सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये हमारी माँ की कसम हमें दे रहा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।